बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास होप सो यू ऑल विल बी फाइन। आज हमने एक नया आर्टिकल डिस्कस करना है आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज यूजिंग गॉसेस लॉ। हमारे पास कोई भी एक लाइन है जिसकी लेंथ है वो इनफाइनाइट है, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको पता है जिस जगह पर चार्ज प्रोड्यूस होता है उसकी एक चीज क्या जिस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम आप ये समझ लें कि ये हमारे पास एक लाइन है, इस पर चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमने इस चार्ज की वजह से इसकी गिर हमने क्या फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड किसको यूज करके गॉसेस लॉ को यूज करके। अब हम डायग्राम की तरफ आते हैं कि हम डायग्राम में क्या किया हुआ है। आप इस सिचुएशन में ये लिखना है कि आपके पास कोई भी वायर है जिसकी थिकनेस जो है वो बहुत कम है, इस पे आप पॉजिटिव चार्ज को स्प्रेड किया हुआ है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके बाद आपने इस लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है जिसके लिए आपको गॉसेस लॉ जब भी यूज करते हैं तो कोई ना कोई गॉसियन सरफेस ड्रा करना लिखती है। अब गॉसियन सरफेस कैसे
फॉर्म में है, आपने फ्लक्स टॉप सरफेस में से फाइंड करना है, बॉटम में से फाइंड करना है, और इस कर्व्ड सरफेस में से आपने क्या करना है, फ्लक्स फाइंड करना है। सारी की सारी गेम जो है बच्चों को थीटा की है, थीटा को अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप इधर देख रहे हैं कि अब आप अगर टॉप सरफेस को कंसिडर करें, आपका एरिया में पकड़ है, आपकी फील्ड इस साइड पे है, एंगल कितना बढ़ रहा है, थीटा कितना बढ़ रहा है, 90 आपको पता है, cos 90 क्या होता है, 0, इट मींस कि फ्लक्स जो है वो टॉप सरफेस में से क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली हम बॉटम सरफेस की बात करते हैं, बॉटम में आपको पता है कि एरिया एलिमेंट डाउनवर्ड होगा, और आपकी फील्ड लाइन जिस साइड पे जा रही है, एरिया एलिमेंट डाउनवर्ड है और आपकी फील्ड लाइन जिस साइड पे जा रही है, थीटा क्या हो जाएगा, 90। आप cos 90 पुट करेंगे, आपका फ्लक्स थ्रू बॉटम सरफेस क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। कर्व सरफेस में से फाइंड करने के लिए इस पे एरिया एलिमेंट बच्चों इस डायरेक्शन में होगा, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में होगी। जब दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में हो जाएगी तो पैरेलल हो जाएंगे, इट मींस कि थीटा क्या बनेगा, 0। जब आप 0 पुट करेंगे आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब बच्चों ये तो कांस्टेंट है, बट आपने फाइंड करना है DA, इंटीग्रल ऑफ DA, और सिलेंडर के लिए, सिलेंडर का सरफेस के लिए DA होता है, तो एरिया होता है 2πRh। 2πRh पुट करेंगे आप, आपके पास फ्लक्स आ गया। अब आपने टोटल फ्लक्स फाइंड करने हैं, आप तीनों फ्लक्स को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद आपके पास इक्वेशन A वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। इसके बाद बच्चों हमने फ्लक्स फाइंड करना है गॉसेस लॉ को यूज करके। जब भी हम गॉसेस लॉ के, जब भी हम किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे गॉसेस लॉ को यूज करके, बच्चों का स्टेप याद रखते हैं आपने कि पहले हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि वो लीनियर है, वॉल्यूम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। पहली बात हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, सेकेंडली हम फ्लक्स की डेफिनेशन लगाएंगे। यूजिंग डेफिनेशन हम फ्लक्स को एक्सप्रेस करेंगे उसको डिफाइन करके बाय डेफिनेशन, जो कि उसकी क्या वैल्यू होती है, 5 PdA cos थीटा। देन हम फ्लक्स को डिफाइन करेंगे यूजिंग गॉसेस लॉ। अब हम इनको इक्वलाइज करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आपके पास एंड कुछ एक्सप्रेशन आता है, किस चीज के है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता रहा है, इसकी वजह से कोई भी हमारे पास जो रॉड है उसकी वजह से इस रॉड पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी जो गार्डियन सरफेस जो हम लेंगे वो इसका कुछ हिस्सा इनक्लोज करेगी, उसका कुछ हिस्सा इनक्लोज नहीं करेगी। ये प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक है, मतलब हम गार्डियन स्फीयर को, गार्डियन सरफेस को तो हम इन्फिनिट नहीं ले सकते, बट हम गार्डियन सरफेस जो ड्रॉ करेंगे वो इस वायर का कुछ ना कुछ हिस्सा इनक्लोज करेगी। अब आप इस पे दो डेफिनेशन लगाएंगे कि हम फ्लक्स को बाय डेफिनेशन एंड फ्लक्स बाय गॉसेस लॉ।